अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 91 से लेकर 100 तक का, यानी कि फाइनल क्वेश्चन नंबर 91। इसे भी हम लोग तेजी से सॉल्व करते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन की हम बात कर रहे हैं का जो है गठन किया गया, तो ऑब्वियसली है चार का गठन जो है किया जा चुका है। परिसीमन आयोग का काम होता है समय समय पर जब ये आयोग का गठन किया जाता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एरिया जो होते हैं उसका परिसीमन करता है, हमारे जो संसदीय क्षेत्र है या हमारा जो विधानसभा का क्षेत्र है इसका जो है वो परिसीमन करता है, उसका बाउंड्रीफिकेशन करता है कि कितना एरिया कौन सी जनसंख्या जो है आएगा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी जो भी है, ये काम जो है डेलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग का ही होता है। हमारे देश में अब तक जो है चार जो इस तरह के आयोग का गठन हो चुका है। पहला जो था 1952 में हुआ था, उसके बाद जो है 63 में हुआ 1963 में, और फिर जाकर जो है आपका 1972 में हुआ, और फिर जाकर 2002 में हुआ लास्ट कमीशन जो बना हमारा 2002 में बना। और इसी में ये व्यवस्था की गई कि अगला जो डेलिमिटेशन कमीशन होगा जो परिसीमन आयोग होगा वो तब तक नहीं बनेगा जब तक कि 2026 के पश्चात ठीक है पहली जनगणना के आंकड़े जो है प्रस्तुत न कर दिए जाए। यानी जाहिर है कि 2026 के बाद जो अगला जनगणना का आंकड़ा आएगा 2031 में ही जनगणना होगी और उसके बाद ही आंकड़ा प्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद ही इस तरह का फिर से अगला आयोग बनेगा। अभी जो लेटेस्ट जो आयोग बना है वो 2002 का है और इसमें जो इसने 2001 की जनगणना को आधार बनाकर जो है परिसीमन किया है, और अभी आपको पता है इस परिसीमन की वजह से अभी जो हमारे लोकसभा में जो है 550 मेंबर्स जो है अभी हैं ठीक है। हालांकि फिलहाल अभी जो है इलेक्शन जो हुआ है वो 543 मेंबर्स का ही हुआ है, अधिक से अधिक जो है 550 हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। फैक्चुअल क्वेश्चन है भी पॉलिटी का कि 1992 में जो 71वां अमेंडमेंट हुआ इसमें किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो पहला जो तीन भाषा देख रहे हैं कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, वो तीनों के लिए किया गया था। तो राइट आंसर जगह 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। इसका संबंध जो है आपका हिस्ट्री से ही है, कह लीजिए पॉलिटी से भी है। एक तरफ दल है और दूसरी तरफ उसके नेता। भारतीय जनसंघ जिससे जो है जो आरएसएस देख रहे हैं, भारतीय जनसंघ जिससे बीजेपी निकली है उसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी इसके नेता हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी इसके नेता थे। तो पहला जो आपका जो आंसर है वो पहला जो मैच बॉक्स किया हुआ है, बॉक्स जो देख रहे हैं वो मैच्ड है। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी में इसने लिख रखा है सी राजगोपालाचारी, जबकि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो जयप्रकाश नारायण रामलोल लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव की पार्टी थी, उन्होंने मिलकर जो इसका गठन किया था। तो ये वाला जो है आपका गलत हो गया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम का था, 78 में जगजीवन राम ने ये पार्टी बनाई थी, तो ये भी सही है। और चार में है स्वतंत्र पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव लिख रखा है, तो ये भी गलत हो गया। स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक था सी राजगोपालाचारी, जो भारत के आज़ाद होने के बाद पहला और अंतिम जो है गवर्नर जनरल बने हमारे, तो उनके द्वारा बनाया गया था। तो जाहिर है कि पहला सही हो गया और तीसरा भी सही हो गया और दो जो है गलत हो गए, दूसरे और चौथा। तो आपका आंसर होगा पहला और तीसरा, यानी केवल दो ही सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 94 पे। भारतीय संविधान के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में दी गई है, बिल्कुल सही बात है, 9 में पंचायत और 9 क में नगर पालिका। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, यदि आप भाग देखेंगे तो भाग 18 में आपात उपबंध दिखेगा, दूसरा भी सही है। और तीसरा है कि संविधान के संशोधन से संबंधित जो उपबंध है संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो ये भी सही है। भाग देखेंगे तो ये दिखेगा, ये सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय होगा, जो बिल्कुल ही गलत है, राज्य सूची का विषय नहीं हो सकता है, ये केंद्र सूची का होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राज्यीय प्रवासन जो होता है माइग्रेशन जो होता है राज्य सूची के अधीन होगा, अंतर्राज्यीय है तो हो नहीं सकता ऐसा, ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राज्यीय संगरोध यानी कि क्वारंटीन की बात कर रहा है, ये संघ सूची के अधीन एक संघीय विषय है, बिल्कुल सही बात है।
और फिर कह रहा है कि निगम कर जो है राज्य सूची, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो राज्य सूची के अधीन न होकर केंद्र सूची यानी संघ सूची के अधीन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर केवल सी है, सी ही जो है एक स्टेटमेंट है जो सही है। चलिए 96 पर आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को, बिल्कुल समान सा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो पता है आपको निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, समय समय पर इसे जो है एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 21 को और एलाबरेट किया गया, बढ़ता चला गया, उसी में निजता का अधिकार ही समाहित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग CDS करते हैं, इसके कर्तव्य क्या है? तो पहला तो है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करता है, ये गलत है। और तीसरा कह रहा है कि सभी तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री का प्रधान सलाहकार है, ये भी सही है। पहला और तीसरा दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पहला और तीसरा है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, स्थायी अध्यक्ष होता है उसका, इसमें कोई शक नहीं। और जो ट्राई सर्विस, तीनों सर्विस है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन विषयों पर रक्षा मंत्री का प्रधान सलाहकार भी होता है और तीनों में कोऑर्डिनेट करने का ये काम करता है, ना कि सैन्य कमान का प्रयोग करता है। क्योंकि सेना का कमान जो आर्मी के जो चीफ होंगे थल सेना के उनके पास है, जो वायुसेना के चीफ हैं उनके पास है, और जो नौसेना के चीफ हैं उनके पास है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। पहला CDS जो हमारा बिपिन रावत जी थे, जो कि अब शहीद हो गए हैं, और अभी जो है अनिल चौहान है हमारा CDS, ध्यान रखिएगा अनिल चौहान हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान एट प्रेजेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 96 97 हो गया, क्वेश्चन नंबर 98 सॉरी। कहते हैं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना। तो हम इसे क्या कहेंगे? सद्भावना के लिए चला रहे हैं तो ऑपरेशन सद्भावना ही हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 98 का ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है? तो ऑब्वियसली है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भारत सॉरी कनाडा और अमेरिका के बीच में है ये चीज, और इनकी बॉर्डर जो है कितनी लंबी है? तो ये 8891 किलोमीटर लंबी है, और दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे, और अंतिम प्रश्न है ये। कह रहा है कि लोकसभा में आचार जो समिति होती है इसके संबंध में, एथिक्स कमेटी की बात कर रहे हैं, लिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला एक तदर्थ कमेटी थी शुरू में, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि केवल लोकसभा के सदस्य किसी सभा सदस्य के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कर सकता है, ये गलत है, केवल यही नहीं दूसरे भी कर सकते हैं। और तीसरा यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन है, बिल्कुल ये सही बात है। तो पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। ये जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस देख रहे हैं दोस्तों, 1 से 100 तक सारे प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन कर दिया और आपके साथ ब्रीफली मैंने डिस्कशन भी किया। अब इससे अगर नहीं आपने मिलाया है तो इस तरीके से भी आप मिला लेंगे और मिलाकर एश्योर हो जाएंगे कि कितना जो है आपका जो मार्क्स आ रहा है, कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। और यदि ऐसा है तो अपनी प्रिपरेशन में बिना दिन गवाए हुए लग जाएंगे, ठीक है, और प्रयास करेंगे कि आपका मेंस भी अच्छा जाए और मेंस में भी आपको सफलता मिले, ताकि आप इंटरव्यू दे सकें और फाइनली सफल हो सकें। चलिए दोस्तों, जल्द ही हम एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।